तो भाई साहब जिसका था इंतजार वो आ गया शाकार, आ गया मार्केट में सलार का ट्रेलर जिसने मिनटों सेकंडों में धमाका कर दिया भाई यूट्यूब के चैनल पे। बहुत ज्यादा इंतजार हो रहा भाई, था यार। ढाई बल्कि 25 मिनट में 3 मिलियन व्यूज आ चुके हैं भाई, 25 मिनट में 3 मिलियन। ओ भाई यार, यहाँ शो हो रहा है तो वहां पता नहीं कितना बैक में जो शोर होगा, क्योंकि व्यूज हैंग हो जाता है भाई, व्यूज सामने तो, शो नहीं होता। मुझसे तो वही इंतजार नहीं हो रहा कि मैं इस ट्रेलर को देखूं यार। और भाई है भी अपने किसकी है, प्रभास की। तो यार प्रभास की मूवी हो और वो धमाका ना करे, बल्कि धमाका क्या है यार, एटम बम। मैं कहता हूँ इस सलार की जितनी हम सुन रहे थे आ रही है आ रही आ रही, तो ये एटम बम है भाई, कोई शक नहीं भाई, एटम बम से काम नहीं है भाई। तो ये देखते हैं जल्दी से कि ये ट्रेलर होने वाला है कैसा, क्योंकि बातें बहुत हो गई है यार। लेकिन अब देखते हैं कि ट्रेलर कैसा होने वाला है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दूरंगा उन्न ओक प्रांतंलो एवड्रा एवडु रे देवा, यार ये हिंदी में कर देते कितना मजा आता। चप्परा एवडु विडदीयलेनी स्नेहम उंडेदे నీకోసం ఎర్రైనా అవుతా సొర్రైనా అవుతా నీ ఒక్కడి కోసం, నువ్వు ఎప్పుడు పిలిచినా నేనిక్కడికొస్తా। మహమ్మద్ గజనీ జంగీస్ ఖాన్ల కన్నా క్రూరమైన బందిపోట్లు ఉండేవాళ్ళు, బందిపోట్లు కొన్ని వందల సంవత్సరాలు వాళ్ళకి ఎదురు లేకుండా ఎదిగారు। ఆ ఖాన్సార్ అనే అడవిని ఒక కోటగా మార్చుకున్నారు, ఇక్కడ కూడా కుర్చీ కోసం కుతంత్రాలు జరిగేవి। నేనుండగా నా కొడుకు వరదరాజమన్నారిని త్వరగా చూడాలనేది నా కోరిక। రాజమన్నారు తిరిగి వచ్చాక వారిద్దరవుతారు, రాజమన్నారు తిరిగి వచ్చేలోపు భర్త అనే లేడంటే గురుంగు వాళ్ళు సెర్బియన్ ఆర్మీ తీసుకొచ్చుకున్నారు, గేట్ లో ఈ రోజు కూడా 700 కొత్తెంట్రీ జరిగాయి, ఇకపై ఎవరు వస్తారో ఎంత మంది వస్తారో తెలీదు। నువ్వు చెప్పు ఎంత మందిని తెచ్చుకుంటున్నాము అన్నా చెప్పు। దేవా మన ఆర్మీ ఎక్కడుంది, పెద్ద పెద్ద గోడలు కట్టేది ఏం భయపడి బయటికి ఓడిపోతాడని కాదు, లోపలికి ఓడొస్తాడని। వీర్ ఆల్ వైలెంట్ మెన్, మన రక్తంలోనే వైలెన్స్ ఉంది, మొక్కల కోసం పోరాడుంది చాలు, ముట్టుకోద్దని చెప్పాను కదరా, నా కళ్ళ ముందున్నదంతా కావాలి। ट्रेलर था यार, ये ट्रेलर था, अभी ये ट्रेलर था
अबे ये पूरा घूस बम था, पूरा ट्रेलर यार तबाही कर दी इस ट्रेलर ने, धमाका कर दिए यार। क्यों हम सोचे कि यार हमारा ये ट्रेलर इतने व्यूज ले गया है, इतने व्यूज ले गया है। कल आखिर इसमें कुछ था ना, आखिर देखने के बाद पता लग गया कि भाई साहब वाकई घूस बम, घूस बम। वो शुरू में जो बच्चा, वो मेरे ख्याल से वो धमकी लगा रहा था, वो बच्चे को खींच रहा था, और फिर खान सर एक जगह दिखाई गई है। हाँ। मेरे ख्याल से ये जो है ना, ये केजीएफ से मिल रही है थोड़ी सी, मतलब टच लग रहा है। हाँ। है नहीं है लेकिन मिल रहा है, उसकी तरह खान सर एक कॉलोनी सी बनाई गई, जिस तरह केजीएफ में एक बस्ती बनाई गई थी। लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट ट्राई करने का, थोड़ा सा हाँ डिफरेंट ट्राई किया है, जाहिर बात है। लेकिन हमारे सबसे बड़ी बात यह है कि ये दिखाए गए हैं वो कोई पाउडर पी रहे होते हैं वो कान में। हाँ। और उस तरह के लोग हैं, जंगली टाइप के, और कुछ टिक्के भी कुछ इस तरह के ऊपर। हाँ, वो इस तरह के लगान टाइप के, वो बड़े खतरनाक होने वाले हैं। हाँ, वो बड़े खतरनाक होने वाले हैं यार, यकीन करो। मैं कहता हूँ ना कि अगर ये मूवी आई ना, तो इसमें ऐसी लड़ाई होगी ना कि यकीन करो हमें जो है ना वो केजीएफ शायद भूलनी पड़े, क्योंकि ये भी केजीएफ के मेकर वालों ने वीडियो बनाया है, मूवी बनाई है, सॉरी। बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि केजीएफ का ये रिकॉर्ड मतलब तोड़ने वाली है। हाँ, ये तोड़ेगी, ये जरूर तोड़ेगी, क्योंकि केजीएफ के मेकर ने ये बनाई है मूवी। तो यार ट्रेलर, यकीन करो जब तक आप ट्रेलर देख रहे थे ना, यूं जिस्म के बाल खड़े हो रहे थे कि क्या ये वाकई हम ये ट्रेलर देख रहे हैं यार। और उसमें जब प्रभास की एंट्री होती है, तबाही है यार, प्रभास की एंट्री तबाही है। ओहो हो, जो आता है और जो गाड़ियां उड़ाता है, ओहो, रॉकेट लॉन्चर से, मैं कहता हूँ तबाही है यार। और एंड में अमाद, एंड में जो कुलाड़ियां होती है, जब यूं करके करता, पीछे और भी कुलाड़ियां वगैरह निकाल लेते, वो देखने वाला सीन था, कसम से देखने वाला। मैं कहता हूँ यार, ये जब यार जो ज्यादा आ रहा था, क्योंकि जब ट्रेलर ऐसा होना, तो मैं कहता हूँ कि बंदे में जान आ जाती है। और यार सबसे बड़ी बात यह है कि ये देखो, ये केजीएफ के बाद मैं कहता हूँ कि प्रभास की मूवी ना काफी बिजनेस करने वाली, 1500 से 2000 करोड़ तो कन्फर्म बिजनेस करे। और सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने शुरू में बोला है, ना ये धमाका करेगी, ना ये ब्लास्ट करेगी यार, करेगी क्या, ये एटम बम है भाई, एटम बम। ये जब सिनेमा में लगेगी ना, तो मैं कहता हूँ पता नहीं कितने दिन लोगों को जगह ही ना मिले। अरे भाई ट्रेलर ने ट्रेलर ने मतलब इतने ज्यादा व्यूज ले गए, और जब मूवी आएगी तब तो मैं कहता हूँ लोग बाहर खड़े रहेंगे, बाहर खड़े रहेंगे। और लोग यकीन करो कि वेट कर रहे हैं इस मूवी का। आई थिंक ये 1 दिसंबर को हो रही है, और इसका एक और ट्रेलर भी आएगा। सुनने में आ रहा है कि 5-6 दिन पहले एक और ट्रेलर आएगा भाई। तो आपका एक्साइटमेंट बढ़ाते जाओ भाई। तो यार कैसा लगा ट्रेलर, क्योंकि ट्रेलर वाकई धमाका, हमें तो बहुत मजे का लगा, मजे का लगा। आपको कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो फिर मिलते हैं, तो बाय।